Very good morning to all of you. Now today the topic is compounds. Okay, of chapter is matter around us view, class 9 chemistry chapter. Now you know that element is a pure substance. Element को pure substance consider किया गया है because element is made up of one and only one type of atom. Now compound is also considered as a pure substance. Compound को भी pure substance कंसिडर किया गया है. क्यों किया गया है उसको आज हम लोग देखेंगे. नाउ व्हाट इज कंपाउंड. कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग टू और मोर एलिमेंट्स व्हिच आर कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास. ठीक है, एलिमेंट क्या था. एलिमेंट में एक ही टाइप के एटम्स थे. सारा एटम क्या है, आइडेंटिकल है. और ये मान के चलते कि एलिमेंट में इस एटम जो कि बिल्कुल ही सब सेम है उसके सिवा इसमें कुछ और नहीं है. सो एलिमेंट इज कंसिडर्ड एज प्योर सब्सटेंस. नाउ इन केस ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड क्या है. कंपाउंड दो या तीन एलिमेंट को कंबाइन करके बनाया गया है. जैसे यू सी वाटर, वाटर इज अ कंपाउंड. ठीक है, वाटर का जो स्ट्रक्चर है ना, इट कंटेन्स ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स. All are water molecules and इसके सिवा इसमें और कुछ भी नहीं है. This is considered that this contain only molecules of water. ठीक है, और ये जो water है इसका जो mass है, ठीक है, combined together in a fixed proportion by mass. इसमें hydrogen और oxygen का जो mass है वो fixed proportion में है. Now see how, कैसे है देखिए. वाटर एटॉमिक नंबर 1 एंड मास इज आल्सो, मास नंबर इज आल्सो 1. ओके, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 एंड मास नंबर 16. ओके, नाउ फॉर्मूला वाटर इज, फॉर्मूला वाटर H2O. उनको क्या बताना है, इसके जो मास का प्रोपोर्शन है वो फिक्स है. नाउ 2 × मास ऑफ हाइड्रोजन एंड 16, 2:16, 1:8. तो पानी कहीं का रहे, रिवर का रहे, तालाब का रहे, कुएं का रहे, नल का रहे, कहीं का भी पानी रहेगा, लेकिन उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है, मास का रेशियो है, वो हमेशा फिक्स रहेगा. और इसके सिवा, मान के चलते कि इसके सिवा इसमें और कुछ भी नहीं है. अ प्योर वाटर कंटेन्स ओनली 1:8 प्रोपोर्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंटेन करता है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है. सो कंपाउंड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ प्योर सब्सटेंस. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स. नाउ टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, सोर्स कहाँ से आया. ठीक है, कंपाउंड कहाँ से आया. वन इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड. इनऑर्गेनिक कंपाउंड विच वी गेट फ्रॉम रॉक्स एंड मिनरल्स. ओके, विच वी गेट फ्रॉम रॉक्स एंड मिनरल्स. एग्जाम्पल्स आर NaCl, मार्बल, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड, एमोनिया एटसेट्रा. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के विच वी गेट फ्रॉम रॉक्स एंड मिनरल्स. Now second, on the basis of their source of origin, कहाँ से मिला. Second is organic compounds. Organic
compounds which they get from living things, from plants and animals. And we know that all contains carbon, so it is also known as carbon compounds. Okay, now examples are ethane, methane, propane, acetic acid, alcohol, fats, oils, sugar, etc. These are the examples of organic compounds which we get from living thing, plants and animals. Okay. Now classification of compounds on the basis of their characteristics. Now some are acids, bases and salts. Compounds can be classified on the basis of their properties, characteristics as acid, bases and salts. So see some examples of acid: HNO3, HCl, H2SO4, H2CO3, etc. Okay? Bases. See the example of bases: NaOH, KOH, CaOH whole twice, sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, aluminium hydroxide, ammonium hydroxide, magnesium hydroxide, and so on. Okay? Now some are salt. Now how salt is formed? We all know that when acids combined with bases form salt plus water, and this reaction is known as neutralization reaction. Okay, now see example: HCl reacts with NaOH, gives NaCl, salt plus. So salt is made by many methods, बहुत मेथड से मिलता है. मेटल को एसिड के साथ करेंगे तो भी मिलेगा. मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड, वी गेट सॉल्ट. बेस रिएक्ट्स विद मेटल, वी गेट सॉल्ट. ठीक है, तो सॉल्ट बहुत रूप से मिलता है. वन एग्जांपल आई हैव शोन. ओके, नाउ दिस इज द क्लासिफिकेशन. दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड. फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, सोर्स ऑफ ओरिजिन, एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ सी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड. कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी इंपॉर्टेंट. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड. फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, एलिमेंट कंबाइन होता है इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास. ठीक है, आप एक और एग्जांपल देख लीजिए. टेक एग्जांपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, मास इज 12. ओके, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16. ओके, व्हाट हैपेंस? CO2, कार्बन मास इज 12, इज टू 2 × 16, 12 × 32, 3 × 2. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से रहेगा. कार्बन को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा. हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, क्या इन्हें एक्सहेल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं. प्लांट क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है. कैल्शियम कार्बोनेट को जलाएंगे, CaCO3 को जलाते हैं,
करते क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कहीं का भी कार्बन डाइऑक्साइड रहे, कहीं का भी रहे, लेकिन उसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन के मास का प्रोपोर्शन है विल रिमेन सेम, दैट इज 3:8। ठीक है, एंड दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड प्रॉपर्टी इज इट इज होमोजीनियस। सेकेंड इज इट इज होमोजीनियस इन नेचर। होमोजीनियस होता है मतलब जब भी मिला के कुछ फॉर्मेशन होगा वो सिंगल सब्सटेंस होगा। सो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिक्स एंड वी गेट वाटर। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉम्बिनेशन एंड वी आर गेटिंग वाटर, बट वाटर इज अ सिंगल सब्सटेंस। ये क्या है, सिंगल सब्सटेंस है और पूरे ही वाटर में वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, सो दिस इज होमोजीनियस इन नेचर, एक ही रहेगा पूरा एक जैसा रहेगा, दिस इज होमोजीनियस इन नेचर। नाउ थर्ड पॉइंट इज केमिकल रिएक्शन जरूर होगा जब भी कोई केमिकल कंपाउंड, दिस कंपाउंड इज ऑल्सो नोन एज केमिकल कंपाउंड, क्योंकि कभी भी यदि कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें केमिकल रिएक्शन जरूर होगा। नाउ सी कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कोक को जब जलाएंगे कोक इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों के बीच में इसको ऐसे ही नहीं ज्वाइन किया जाता, इसके बीच में केमिकल रिएक्शन होगा। सो देयर मस्ट बी केमिकल रिएक्शन बिटवीन द एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स, देन ओनली वी विल गेट कंपाउंड व्हिच इज नोन एज आल्सो केमिकल कंपाउंड। ठीक है, चौथा पॉइंट है प्रॉपर्टीज मे डिफर। प्रॉपर्टीज क्या होगा, बिल्कुल ही अलग होगा, इट विल बी एंटायरली डिफरेंट। बहुत अच्छा एग्जांपल है हाइड्रोजन, दिस इज कंबस्टिबल सब्सटेंस, बहुत ही ज्वलनशील होता है। सेकेंड क्या है ऑक्सीजन, विच सपोर्ट्स कंबशन, दिस इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन, ये खुद जल जाता है, बहुत इनफ्लेमेबल है, बहुत ही कंबस्टिबल है और ये सपोर्ट करता है। लेकिन जब इन दोनों को मिला के वाटर का फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, नाउ प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, सो प्रॉपर्टी जो भी होगा कंपाउंड का, वो जिससे वो बना है, जिस एलिमेंट या मॉलिक्यूल से बना है, उससे उसका प्रॉपर्टी बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। ठीक, फिफ्थ इज मैकेनिकल। मैकेनिकली हम लोग फिर से एलिमेंट को नहीं ला सकते हैं। ठीक है, जब एक बार केमिकल रिएक्शन हो गया और हमको केमिकल कंपाउंड मिल गया तो उसको फिर से हम एलिमेंट को आराम से मैकेनिकली नहीं ला सकते हैं। ठीक है, हम चाहेंगे कि वाटर बन गया और इसको फिर से ऑक्सीजन हाइड्रोजन ले आए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले आए, HCl का फॉर्मेशन हो गया है, तो बहुत आसानी से मैकेनिकली इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, लेकिन यदि हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते हैं, इन दैट केस वी कैन गेट H2O का यदि इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे देन ओनली वी कैन गेट H2 एंड O2। बट नॉर्मली मैकेनिकली हम लोग कंपाउंड को अगेन वी कांट कन्वर्ट इट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट जिससे वो बना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज एनर्जी चेंज। आपको क्या बताया, हम जब भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो उसमें रिएक्शन जरूर होगा, पुराने बॉन्ड का टूटना, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ही होगा, तभी हमारा केमिकल कंपाउंड बनेगा। और जब भी ये केमिकल कंपाउंड बन रहा है इसका मतलब उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और यदि केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो आइदर इट विल टेक एनर्जी और इट विल लूज एनर्जी, या तो वो एनर्जी देगा या तो फिर एनर्जी वो देगा, आइदर इट विल बी एक्सोथर्मिक एनर्जी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मीन्स हीट इवॉल्व एंड दिस हीट एब्सॉर्ब,
कभी भी केमिकल रिएक्शन होगा तो आइदर इट विल बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, कोई ना कोई केस जरूर होगा, तभी एक केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है. नाउ सी सम एग्जांपल्स. जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाएं, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन, दिस इज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट HNO, देन ओनली वी गेट HCl. ठीक है, यदि AgCl है, सिल्वर क्लोराइड, इसमें जब सनलाइट पड़ेगा, सनलाइट होगा, देन इट विल कन्वर्ट इनटू Ag+Cl. ओके, नाउ दिस इज व्हाइट इन कलर एंड दिस विल बिकम ग्रे. धूप की रोशनी में इसको लगेंगे तो क्या हो रहा है, दिस विल ब्रेक, दिस विल डिकम्पोज, दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सो दिस इज नोन एज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अगेन यू से AgBr, ओके, डर्टी वाइट, दिस इज येलोइश, लाइट येलो कलर का होता है, इसमें जब सनलाइट रोशनी आएगा, दिस विल कन्वर्ट इनटू 2Ag+Br. Now you can see heat is required. इसमें क्या है, जब हीट मिलेगा तभी रिएक्शन होगा. सो सम एग्जाम्पल्स आर एक्सोथर्मिक, सम आर एक्सोथर्मिक जिसमें हीट निकलेगा, एंड सम आर एंडोथर्मिक विच रिक्वायर्स हीट और एनर्जी. तो ऐसा होगा तभी एक केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है. सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड. ओके, नाउ सी सम डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. एलिमेंट्स आपको पिछले क्लास में बताए थे, एलिमेंट इज मेड अप ऑफ वन एंड ओनली वन टाइप ऑफ एटम, एक ही एटम से बना है, उसके सिवा उसमें और कुछ भी नहीं है. सो एलिमेंट इज कंसिडर्ड एज अ प्योर सब्सटेंस. नाउ कंपाउंड, इसमें वन टाइप का मॉलिक्यूल होता है. ठीक है, जैसे ये सपोज कीजिए सोडियम एलिमेंट है, so this contains sodium atom, all are sodium atom. और यदि water कहते हैं, this is water, so all are water molecules, all are water का molecules है, all are H2O, all are molecules of water. लेकिन इसमें भी इस मॉलिक्यूल के सिवाय और कुछ भी नहीं है, और वो भी फिक्स्ड प्रोपोर्शन में है. कोई भी कंपाउंड लेंगे, उसमें जो भी मॉलिक्यूल रहेगा, उसका जो भी एलिमेंट से बना, सारे फिक्स्ड प्रोपोर्शन में है. सो कंपाउंड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ प्योर सब्सटेंस. ओके, इसमें एक ही टाइप रहेगा, सोडियम है तो सोडियम का ही एटम रहेगा. ठीक है, सल्फर है तो सल्फर का ही एटम रहेगा. लेकिन इसमें क्या है, यदि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रहता है, यदि O2 मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल है, देन ऑल आर O2. ठीक है, तो एक ही एलिमेंट हुआ, वही है, वही वो का ही मॉलिक्यूल है, लेकिन खाली वो है. लेकिन यदि वाटर मॉलिक्यूल लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें एच भी है और ओ भी है, इसमें वैसा नहीं है. सोडियम है तो सब सोडियम, सल्फर है तो सब सल्फर, लेकिन इसमें जो मॉलिक्यूल होता है वो सेम एलिमेंट भी हो सकता है. और यदि कंबाइन करके, एलिमेंट को कंबाइन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, सी एच इज ऑल्सो प्रेजेंट, ओ इज ऑल्सो. Now this cannot be broken into simpler form by any physical or chemical method. Element को further तोड़ा नहीं जा सकता है. Atom is the smallest substance, smallest particle of any element. And this can be separated. ठीक है, compound को separate किया जा सकता है by any suitable method. कोई particular, specific कोई method होगा, उसको हम लोग simpler form में ला सकते हैं. एलिमेंट्स हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर ओन. एलिमेंट का अपना प्रॉपर्टी है, सोडियम का एक अपना प्रॉपर्टी है कि वो तुरंत एनवायरनमेंट में आएगा, एयर में आएगा, वाटर में आएगा, आग पकड़ लेता है. पोटेशियम क्या है, पानी में डालते हैं, जल. तो इसका एक अपना प्रॉपर्टी, अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स है. लेकिन एलिमेंट क्या है, एलिमेंट इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल में, कंपाउंड में क्या होता है, जिस एलिमेंट से वो बना है, ठीक है, उस एलिमेंट का कोई भी प्रॉपर्टी फिर कंपाउंड में नहीं रहता है. ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज जिस भी एलिमेंट से वो बना है, उसके प्रॉपर्टीज से उसका प्रॉपर्टी बिल्कुल ही डिफरेंट रहता है. सो दिस इज ऑल अबाउट कंपाउंड्स. कंपाउंड इज कंसिडर्ड एज प्योर सब्सटेंस. सो हाउ इट इज प्योर, यू कैन सी हियर. सो कंपाउंड इज ऑल्सो अ प्योर सब्सटेंस. नाउ नेक्स्ट क्लास I will discuss mixture.
okay?